नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का एक बार फिर से हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। हमारा आज का टॉपिक है कि तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए नवंबर मास 2019 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, नवंबर मास 2019 तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही खास रहेगा और इसमें तुला राशि के व्यक्ति आनंद ही आनंद उठाएंगे, नए नए रोजगार को अंजाम देंगे जिससे धन प्राप्ति के रास्ते खुलेंगे। मेहनत का सितारा बुलंद होगा, किस्मत का सितारा चमकेगा, नए नए लोगों से तालमेल बनेंगे और समाज में मान सम्मान का भी योग बनेगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या कोई बाहर आप किसी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां से आपका कार्य बन सकता है, आपका जाने का योग बन सकता है, कोई पद यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। किसी पुराने मित्र से आपको सहयोग मिलेगा, अचानक उससे मिलाप होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होंगी, लेकिन आप यदि भाग्य जमाना चाहते हैं राजनीति में तो आपका भाग्य सफल होगा और चमकेगा। गीत संगीत में काफी रुचि बढ़ेगी। नौकरी का यदि प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी का योग बन सकता है और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए खास बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। कमीशन, लॉटरी, सट्टा बाजारों में भी काफी राहत मिलेगी, धन का लाभ होगा। कृषि भूमि, काले पशुओं में भी धन योग बनेंगे और धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे। कर्जा से मुक्ति मिलेगी। वाहन, गाड़ी, प्लॉट खरीदने का भी योग बन सकता है। घर परिवार में कोई मंगल कार्य होगा, नए मेहमान के आने से घर में खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन आपको गुप्त शत्रुओं से सचेत रहना पड़ेगा क्योंकि आपको आपके गुप्त शत्रु कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपके प्रति कोई राजनीति रच सकते हैं। अपने मन की बात तो किसी को ना बताएं, जब तक आपका पूरा काम ना हो जाए उसे लीक ना करें, किसी को बताएं नहीं। लापरवाही, क्रोध पर और वाणी पर संयम बना कर रखें, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें। इस मास आपका बहुत धन खर्च होने का योग बन रहा है, यानी कि धन आगमन के साथ साथ आपका खर्च भी बहुत होगा, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं। इस महीने में आपको किसी बोझ को, किसी जिम्मेदारी को बहुत मजबूती से निभाना पड़ेगा। जिन व्यक्तियों की शादी का योग नहीं बन रहा था उन व्यक्तियों की शादी का योग बन सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में जो खटास चल रही है वो मधुरता आएगी और पारिवारिक रिश्तों में भी मजबूती और घनिष्ठता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों को लेकर सारी समस्याएं खत्म होंगी। यदि आप नए नए पार्टनर की तलाश में हैं तो आपको मिल सकता है और संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। इस मास आप बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और खासकर अपने लव पार्टनर, अपने परिवार के लिए बहुत सारी वस्तुएं घर की खरीदने का योग बनेगा, जिसमें आपका धन बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर तुला राशि के जातक जातिकाओं के लिए नवंबर मास बहुत ही खास रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपका हर सपना पूरा हो, आपकी हर आशा पूरी हो। इसी के साथ मैं पंडित राजू शर्मा अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी करता हूँ नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।